इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे धार रियासत की। मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है वो भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है और ऐतिहासिक इमारतें हैं। जैसे कि यू नो हम जानते हैं कि सबसे भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है मांडू का शहर। मांडू और मालवा का इतिहास अगर किसी रियासत से जुड़ा हुआ है तो वो है धार रियासत। धार रियासत का भारत के इतिहास में महत्व है दो कारणों से। पहला, जब हम मध्य प्रदेश के मराठा शासकों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर की। बट मध्य प्रदेश में तीसरा एक बड़ा मराठा परिवार था, वो था पवार परिवार, जिसने धार और देवास पर राज्य किया। धार रियासत का दूसरा महत्व ये है कि 1857 के विद्रोह में धार रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ ना देकर जो स्वतंत्रता सेनानी है जैसे कि झांसी की रानी तात्या टोपे, उनका साथ दिया था। और इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने उस रियासत को जब्त कर लिया था और फिर बाद में इस रियासत को बहाल किया गया था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज ऐसा सिर्फ धार रियासत के बारे में हुआ। तो इसीलिए हमें ये धार रियासत भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। धार रियासत का महत्व जानने के लिए हमें मालवा क्षेत्र का प्राचीन इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्राचीन भारत देखें तो जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल के आगे का जो इलाका है, छत्तीसगढ़ की तरफ जो महाकौशल है, जो जबलपुर और ये जो सारी एरियाज इसमें आते हैं, वो पूरा गोंडवाना फॉरेस्ट हुआ करता था। तो घने जंगल, वहाँ पे यू नो ज़्यादा आबादी नहीं होती थी, वहाँ पे लोकल गोंड राजा राज करते थे। तो अगर आप देखें सारे जो व्यापारी मार्ग है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले, वो इसी एरिया से गुजरते थे। वो अगर आप देखें तो झांसी चंदेरी वाला रूट हो दक्षिण में महेश्वर तक, या फिर कोटा बूंदी से रतलाम से आने वाला एक रूट हो जो जो दक्षिण की तरफ जाता था, या जो दक्षिण से उत्तर जाने वाले रूट्स हो, तो ये सारे इंटरसेक्ट हुआ करते थे मालवा प्लेटो में। और इसीलिए बिल्कुल प्राचीन काल से यहाँ पर बहुत पुराने शहर हुआ करते थे, आबादी हुआ करती थी। उज्जैन जो भारत का बहुत सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, उज्जैन हुआ करता था। और ऐसे कई यहाँ पर शहर थे। अराउंड 11वीं शताब्दी में ये जो पूरा जो मालवा प्लेटो है, यहाँ पर राज था परमार राजाओं का, और उनकी राजधानी थी धारा नगरी, जो आज हम धार कहते हैं। धार इज लोकेटेड 60 किलोमीटर्स टू द वेस्ट ऑफ इंदौर। आज ये एक इतना बड़ा शहर नहीं है, हम उसे कस्बा कह सकते हैं, पर एक समय था जब वो भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक हुआ करता था। अभी यू नो हमने जानना शुरू किया है कि जो एंशंट भारत है उसमें मेटलर्जी और जो मेटल वर्क है, जो ब्लेड की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत एडवांस हुआ करती थी। और जो मेटलर्जी का जो केंद्र था, जो एक साइंटिफिक जहाँ का बेस्ट वेपन्स और आयरन स्टील जहाँ पे बेस्ट माना जाता था, वो था धार। और इसी से उसका नाम पड़ा बिकॉज उसका एक्चुअल नाम था धारा नगरी, द सिटी ऑफ ब्लेड्स, धारों की नगरी। तो इस तरह धार पड़ा। अराउंड 1000 साल और 1055 के बीच में यहाँ पर राज हुआ भारत के, प्राचीन भारत के सबसे फेमस राजाओं में से एक, राजा भोज का। राजा भोज एक परमार राजा थे, और एक कहावत है उनके नाम से कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो बहुत फेमस थे, उनका राज्य फैला हुआ था आज का जो उदयपुर और कोटा है वहाँ पे उनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और ईस्ट में भोपाल तक। सो उदयपुर कोटा से लेकर भोपाल तक उनका एक बड़ा राज फैला हुआ था।
उन्होंने धार से राज्य अपना किया। उन्होंने काफ़ी टैंक्स बनाए, जो भोपाल वहाँ पर जो तालाब है, जो भोजताल कहते हैं, वहाँ पर वो बनवाया, भोजेश्वर मंदिर बनवाया उन्होंने। इनफैक्ट उनके कुछ मंदिरों के अवशेष हमें कोटा के पास जो खाइयाँ हैं एंड ऑल उसके पास मिलती है। उदयपुर के पास हमें उनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। राजा भोज जो थे वो एक ग्रेट ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग आर्ट। उन्होंने कई संस्कृत स्कॉलर्स धार में बसाए थे उनको और पेट्रनेज दिया था उनको। उनके नाम से कई हमें टेक्स्ट भी मिलते हैं कल्चर के ऊपर, एंशियंट इंडियन राइटिंग्स के ऊपर। और उन्होंने एक जैसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था धार में, जिसे भोजशाला कहा जाता है। अब वो उस भोजशाला में एक मस्जिद बनी हुई है और अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है उस इलाके को लेकर, पर वहाँ पर एक भोजशाला उनकी हुआ करती थी। तो वैसे एक समृद्ध नगरी थी। बाद में राजा भोज के बाद जो बाकी परमार राजा थे वो इतने ताकतवर नहीं हुए, और फिर 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के अंडर एक के बाद एक जब वो राज्यों पर कब्ज़ा कर रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर के किले पर कब्ज़ा किया, चित्तौड़ के किले पर कब्ज़ा किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मालवा पर कब्ज़ा किया। क्योंकि अगर उन्हें जो दक्षिण भारत है, जो देवगिरी का किला है और जो दक्षिण के राज्य है, उनको कैप्चर करना था तो उनको इसी एरिया से गुजरना पड़ता था। तो इट वॉज स्ट्रेटिजिकली वेरी इंपॉर्टेंट ये जो धार का जो क्षेत्र है वो। तो उन्होंने मालवा पर अपना राज शुरू कब्ज़ा किया और परमारों का राज ख़त्म हो गया, और जो धार है वो जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंडर आई। अनफॉर्चुनेटली उस समय काफ़ी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी मंदिर तोड़े गए, काफ़ी बिल्डिंग्स तोड़ी गई, इसलिए हमें राजा भोज के टाइम की यहाँ पर इतने अवशेष, कुछ मूर्तियाँ, कुछ मंदिरों के पिलर्स के अलावा नहीं मिलती हैं अभी। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस मूर्ति है ब्रिटिश म्यूज़ियम में, जो मान्यता के अनुसार लोग ये बिलीव करते हैं कि ये वो फेमस सरस्वती है जिसे राजा भोज ने अपने भोजशाला में बसाया था, पर कुछ दूसरे हिस्टोरियंस मानते हैं कि नहीं, ये तो एक जैन अंबिका की मूर्ति है, अंबिका देवी की मूर्ति है जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। उसके बाद जो खिलजी साम्राज्य के बाद तुगलक साम्राज्य आया, और फिरोज़ शाह तुगलक जो थे दिल्ली के सुल्तान, उनके बाद जब दिल्ली सल्तनत टूटने लगा और तिमूर का बड़ा इन्वेजन हुआ, तो दिलावर खान गोरी करके यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, जो धार से मालवा को रूल करते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, और उससे जो मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई। मालवा सल्तनत की पहली राजधानी थी धार। उसके बाद क्या हुआ कि जो मालवा के सुल्तान हैं उनको लगा कि हमें एक ज़्यादा स्ट्रेटिजिक और एक डिफेंसिव लोकेशन पे अपनी राजधानी ले जाने चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी धार से शिफ्ट करके मांडू ले गए। अगर आप मांडू देखें तो वो एक प्लेटो पर स्थित है, इट ओवरलुक्स द नर्मदा वैली, जंगल और वो सारी चीज़ें, और वो डिफेंस के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। धार जो है वो बिल्कुल एक फ्लैट प्लेन पे स्थित है। तो जब कैपिटल धार से मांडू शिफ्ट हुआ, तो सारी आबादी, सारे व्यापारी, सारे जो कल्चराटी हम बोलते हैं, वो सारे लोग मांडू चले गए, और धार का एक डिक्लाइन शुरू हुआ। सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद मराठों की ताकत बढ़ने लगी, और जो मराठा पेशवा बाजीराव द फर्स्ट है, जो उस समय भारत के सबसे ग्रेटेस्ट जनरल माने जाते थे, उनके नेतृत्व में जो मराठे हैं वो मालवा पर हमला करने लगे। और जो रावेर का जो इलाका है, अगर आप वहाँ की वो नदी देखें तो वहाँ से वो क्रॉस करते थे, और फिर महेश्वर है वहाँ, वो जो है वो नीमाड़ का इलाका है जो नीचे का है, फिर वहाँ से वो ऊपर चढ़ते थे मांडू की तरफ और फिर धार एंड ऑल। तो ऐसे धीरे धीरे लड़ते 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 उन्होंने पूरे मालवा पर अपना कब्ज़ा कर लिया।
और फिर जो पेशवा, एक बार उनका जब मालवा पर कब्जा हो गया, तब जो पेशवा बाजीराव है उन्होंने जो मालवा प्रांत है उसे तीन हिस्सों में अपने जनरल्स में बांट दिया। एक हिस्सा उन्होंने दिया सिंधिया फैमिली को, जिन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी चुना। एक हिस्सा उन्होंने दिया मल्लर राव होलकर को, जिन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। और एक हिस्सा जो था, जो धार और देवास का जो इलाका था, वो उन्होंने उदाजी राव पवार और उनके कजन्स को दिया, जिन्होंने धार अपनी राजधानी बनाई। ये जो पवार परिवार है, ये मराठों का एक बहुत प्रोमिनेंट परिवार था। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे और अपना स्वराज निर्माण कर रहे थे, तो इस परिवार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, साबू सिंह पवार और उनके कजिन्स ने। और इनफैक्ट ये जो परिवार था वो मराठा साम्राज्य में और मराठा राज्य में लड़ रहा था, इवन पेशवा सत्ता में आने से पहले। तो क्या हुआ कि ये जो परिवार है वो मानता था कि हम पेशवा के अंडर नहीं है, हम जो है वो वी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द छत्रपति। और उस समय जो छत्रपति थे वो शाहू महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन थे, वो सातारा में रहा करते थे और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा बाजीराव को सौंप दिया था। तो इससे क्या हुआ कि एक थोड़ा सा डिसोनेंस होने लगा उदाजीराव पवार और पेशवा बाजीराव के बीच में, बिकॉज सिंधियाज और होलकर जो थे वो पेशवा के अंडर आते थे, उनसे ऑर्डर्स लेते थे। और जो उदाजीराव पवार है वो प्रोटेस्ट करने लगे, वो बोलने लगे कि नहीं, और वो डायरेक्टली लेटर्स लिखने लगे छत्रपति को कि हम तो नहीं मानेंगे नॉल। और कैसा होता है आज भी, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एक हायरार्की होती है, तो उस समय मराठा स्टेट में भी एक हायरार्की थी और आप अपने बॉस को इस तरह सबवर्ट नहीं कर सकते थे। तो एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट उदाजीराव पवार और पेशवा बाजीराव के बीच होने लगी। 1730s में क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव, जो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर थे मराठा साम्राज्य के, पेशवा थे, और जो सेनापति दाभाड़े थे, जो कमांडर इन चीफ थे, उनमें अनबन हुई गुजरात को लेकर। और डबोई है, बड़ौदा के पास डबोई है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो उस समय जो पवार है, उदाजी राव पवार, और जो बड़ौदा के गायकवाड़ है, वो दाभाड़े के, सेनापति दाभाड़े के साथ लड़े पेशवा बाजीराव के खिलाफ। और अनफॉर्चुनेटली जो सेनापति दाभाड़े है और उनकी फौज है, उनकी बड़ी हार हुई। सेनापति दाभाड़े मारे गए उस युद्ध में। और तो उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पवार्स। और फिर जैसे सिंधियाज और होलकर्स आगे बढ़े और उन्होंने एक्सपांड किया अपना राज्य और ताकतवर अपने राज बनाए, तो धार का इतना एक्सपेंशन और प्रोग्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो पेशवास थे वो हमेशा सोचते थे कि ये एक अपोजिंग पार्टी है, ये हमें नहीं मानते हैं तो हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सिंधियाज और होलकर्स का प्रमोशन होते गया, वाइल जो धार के पवार है वो अपना अपना पोजीशन उन्होंने होल्ड किया। आगे चल के हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि जब मराठा फौज एमचा अब्दाली के साथ लड़ने के लिए 1760s में उत्तर भारत में गई, हरियाणा में गई, तो यशवंतराव पवार और उनकी धार की जो ट्रूप्स थे वो उसमें थे। और यशवंतराव पवार पानीपत की लड़ाई में मारे गए, शहीद हो गए। आगे चल के हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि पूना के एक पेशवा थे नारायण राव, जो बाजीराव द फर्स्ट के ग्रैंडसन थे, और उनके चाचा जो थे राघुबा, वो गद्दी हासिल करना चाहते थे। और एक बहुत फेमस मर्डर हुआ था शनिवारवाड़ा में। और उसके बाद क्या हो गया था कि जो मराठा जो सरदार है वो दो हिस्सों में बट गए थे, एक जो लॉयल थे जो पेशवा के और एक जो लॉयल थे वो राघोबा दादा के। तो जो धार के जो पवार है वो राघोबा दादा और उनकी पत्नी आनंदीबाई उनके सपोर्टर्स थे, और राघोबा दादा ने धार के किले में शरण ली थी। और इनफैक्ट जो पेशवा बाजीराव द सेकेंड है, जो मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा थे और जो 1818 में बिठूर चले गए थे, उनका जन्म
धार के किले में हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि जो धार जो रियासत थी, इट वॉज ऑलवेज अपोज्ड टू हुएवर वॉज देयर इन पूना, और इसकी वजह से उन्हें एक खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर बाद में क्या हुआ, अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी के अंत में जब सिंधियाज और होलकर्स के बीच में बहुत एक सिविल वॉर और बहुत घमासान चल रहा था, तो उसका एक ब्रंट फेस करना पड़ा धार रियासत को। बिकॉज क्या होता था, सिंधियाज आते थे लूट के चले जाते थे, होलकर्स दूसरी साइड से आते थे लूट के चले जाते थे। फिर इससे तंग आकर जो पवार हैं और उस टाइम की जो रानी थी मैनाबाई और जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी की और धार बिकेम अ प्रोटेक्टेड स्टेट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। आगे चल के ये हम जा रहे हैं अराउंड 40 ईयर्स लेटर, जब 1857 में जब विद्रोह भारत भर में होने लगा, तो एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में। अब उस टाइम पे जो सिंधियाज है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो होलकर्स हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो ओरछा पन्ना और ये जो बाकी के जो राजा हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भोपाल की जो बेगम है उन्होंने बहुत बड़ी मदद की, बट मध्य प्रदेश में अगर एक सबसे प्रोमिनेंट फैमिली है जिसने भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दिया, वो थे धार के पवार। और धार में एक बहुत बड़ा 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। इंटरेस्टिंगली जो विद्रोह हुआ था वो यहाँ के जो राजा थे उनके जो ट्रूप्स थे वो आइदर अफगान हुआ करते थे, रोहिला हुआ करते थे, या बलूची जिन्हें बकरानी कहा करते थे वो हुआ करते थे। इन्होंने रिवोल्ट किया था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप देखें जो उठाव हुआ था इंदौर में और जो झांसी में भी, अगर आप झांसी की रानी के भी अगर आप जो मोस्ट ऑफ द आर्मी कॉम्पोजिशन देखें जिन्होंने विद्रोह किया, तो वो सारे आइदर अफगान्स थे, रोहिलास थे, या बलूची या मकरानी जिन्हें कहते हैं वो कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उठाव हुआ और 1858 में अंग्रेज़ों की एक बड़ी जो ट्रूप है उन्होंने फिर धार किले को रिकैप्चर कर लिया और धार रियासत को जब्त कर लिया। उसके बाद जो परिवार है उसने फिर अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने मिनती की, बिकॉज उस समय क्या था, जो धार के जो राजा थे वो एक माइनर थे और उनकी जो माँ है वो एज अ रीजेंट राज कर रही थी। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के अपील की कि हमारा बेटा तो छोटा था और हमारे जो ट्रूप्स हैं उन्होंने विद्रोह किया था, पर आप हमारी जो रियासत है वो बहाल कर दीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। और फाइनली 1860 में जो धार स्टेट है उसे अंग्रेज़ों ने जो जब्त कर लिया था और जो विलीन कर लिया था उसे रिस्टोर कर दिया, और उनका सिर्फ एक जो परगना था बेरसिया जो भोपाल के नॉर्थ में है उसे बेगम ऑफ भोपाल को एज ए रिवॉर्ड उन्होंने दे दिया था, पर वो छोड़कर जो पूरा स्टेट है वो पवार फैमिली को वापस मिल गया। अगेन दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज एक बार जब अंग्रेज़ किसी स्टेट को निगल लेते थे तो वो लौटाते नहीं थे। तो थैंकफुली द पवार्स वर लक्की। बाद में जो पवार राजा हैं उन्होंने अच्छा शासन काल किया, जो महाराजा उदोजी राव पवार द सेकेंड हैं उनके कार्यकाल में यहाँ पर काफ़ी डिवेलपमेंट हुआ, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धार स्टेट का अपना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ करता था, और धार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो मांडू है, जो मांडू के रूइंस हैं उन्हें रिस्टोर करने में, रेनोवेट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया। और बाद में इवन जो बाघ के जो गुफाएं हैं धार के पास में ही, जो बुद्धिस्ट गुफाएं हैं वहाँ पे पेंटिंग्स हैं जो भारत में अजंटा के बाद वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स, अभी तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को नहीं मिलती है वो पेंटिंग्स, पर उसमें जो धार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने बड़ा योगदान निभाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में धार ने अंग्रेज़ों को ट्रूप्स और उन्होंने सहायता की। जो उदोजी राव महाराज हैं उनकी कोई औलाद नहीं थी, और उन्होंने जो मल्ठन है महाराष्ट्र में वहाँ से एक लड़का गोद लिया था जो आनंदराव पवार करके, महाराजा आनंदराव पवार करके थे, और वो धार के आखिरी राजा थे। उन्होंने जो जीरा पैलेस है, एक आर्ट डेको पैलेस है वहाँ पर, अभी एक होटल बन गया है, वो धार में उन्होंने बनवाया।
1947 में जब सारी रियासतें विलीन होने लगी तो धार रियासत मध्य भारत में विलीन हो गई और फिर बाद में इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। महाराजा आनंदराव पवार का निधन हो गया 1980s में, उनकी कोई औलाद नहीं थी, पर राज परिवार के सदस्य आज भी धार में रहते हैं। और धार आज एक टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि राजा भोज और एक बहुत प्राचीन वहाँ पे एक खूबसूरत किला भी है, पर जितने लोग मांडू जाते हैं उतने धार नहीं जाते। तो आशा ये है कि लोग जाने कि धार का जो महत्व है और प्राचीन काल से जो महत्व है। तो ये थी कहानी धार रियासत की।